इसी डर और हताशा में वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वो देश में एक फेयर इलेक्शन तक नहीं करवाना चाहते। यही वजह है कि उनके आदेश पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देश के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए और मनमाने ढंग से कांग्रेस के अकाउंट से जबरन पैसे निकाल लिए। बीजेपी एक खतरनाक खेल खेल रही है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कैसे मोदी सरकार कांग्रेस को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए चाले चल रही है। मामला 2017 से 18 का है। उस साल में कांग्रेस को कुल डोनेशन 199 करोड़ रुपए मिला। इनमें से 14 लाख रुपए कैश थे जो पार्टी के सांसदों ने अपनी सैलरी से दिए थे। ये कुल डोनेशन का महज 0.07% है। पार्टी ने इसकी जानकारी महज कुछ दिन देर से दी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूरे चंदे यानी कि 199 करोड़ रुपए पर ही टैक्स नोटिस दे दिया, वो भी पूरे 210 करोड़ रुपए से ज्यादा। कानून कहता है कि ये पेनल्टी महज 10,000 की होनी थी, लेकिन आईटी डिपार्टमेंट ने 210 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगा दिया, पूरे 106%। यही नहीं, मोदी की शह पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंकों को आदेश दे कांग्रेस के खातों में जमा 285 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए और इसमें से 115 करोड़ रुपए भी अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। ये सब हुआ इलेक्शन से महज 2 महीने पहले। ये भी गौर करने वाली बात है कि राजनीतिक दल इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के 4 बैंकों के 11 खाते फ्रीज कर दिए गए। सवाल ये है कि आखिर 7 साल पुराने मामले में चुनाव से ठीक पहले बैंक खाते कैसे फ्रीज किए जा सकते हैं। मोदी सरकार के डर का आलम ये है कि कांग्रेस चुनाव न लड़ सके, इसलिए साल 1994 से 95 के मामले में भी मोदी जी ने कांग्रेस को इनकम टैक्स का नोटिस भिजवाया है। आखिर 30 साल पुरानी असेसमेंट के नोटिस का क्या मतलब है? मतलब साफ है कि कांग्रेस बराबर से चुनाव न लड़ सके। जनता का विश्वास खो चुकी बीजेपी को चुनाव में अपनी हार दिख रही है। इसी डर से बीजेपी ये कार्यवाही कर रही है। लेकिन हम कांग्रेस, हम डरेंगे नहीं, पूरे दम से मोदी की तानाशाही से लड़ेंगे।